नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ई मित्रा सॉल्यूशन में और मैं हूं गणेश ओझा। दोस्तों आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो एक टॉपिक है भी और नहीं भी। दोस्तों आज मेरे पास में एक ऑडियो क्लिप आया था तो मैंने उस ऑडियो क्लिप को अनेक ग्रुप्स में शेयर किया, फॉरवर्ड किया और उस ऑडियो क्लिप को इतना लाइक और पसंद किया गया कि मैंने सोचा कि आपको भी वो ऑडियो क्लिप है जो सुनाया जाए और साथ ही साथ में एक वीडियो भी बनाया जाए और आप लोगों को इसके बारे में बताया जाए। तो दोस्तों वो ऑडियो क्लिप क्या है कि हमारे ही ग्रुप के एक मेंबर ने, हमारे ही एक साथी ई मित्रा वाले ने राजस्थान संपर्क के पोर्टल 181 नंबर पर कॉल किया और उन्होंने 181 वालों से इस प्रकार से बात की और उनके प्रश्नों के जवाब, सवाल जवाब हुए। जिस प्रकार से उनसे बात की तो उनकी बात को सुनकर के 181 वालों की धज्जियाँ उड़ गई। तो वो ऑडियो क्लिप क्या थी वो मैं आपको सुना दूंगा, लेकिन मैं आप सभी दोस्तों से भी ये रिक्वेस्ट करता हूं कि हम सभी को 181 पर कॉल करके उनको बताना चाहिए हमारी कंडीशन के बारे में, क्योंकि हम सभी ई मित्रा वाले हैं और ई मित्रा वाले हम कार्य करते हैं, कोई जाति का, मूल निवास का, इत्यादि का काम करते हैं। तो जाति मूल का जब हम काम करते हैं तो हमारा जो कमीशन होता है या जो चार्ज लगता है वो 60 रुपये का लगता है, 40 रुपये पहले और 20 रुपये बाद में। तो 181 वालों को जब लोग कॉल करके कहते हैं कि हमसे ज़्यादा चार्ज लिया गया है तो 181 वाले उनको भ्रामक जानकारी देते हैं। उसी के बारे में ये ऑडियो क्लिप मेरे पास में आया था तो उन्होंने उनको बताया कि हम किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो हम ई मित्रा वाले जब काम करते हैं तो 60 रुपये का तो हमारा टोकन कटता है, बाकी फोटोकॉपी है, फॉर्म भरते हैं, उसका अलग से चार्ज लगता है, लेकिन 181 वालों के द्वारा उनको कोई भी जानकारी नहीं दी जाती ग्राहक को और भ्रामक जानकारी दी जाती है, जिससे ग्राहक हमारे खिलाफ है जो कार्रवाई कर देते हैं और हमारी शिकायत करते हैं और 181 वाले भी पूरी जानकारी उनके पास में नहीं होने के कारण, उनको भ्रामक जानकारी होने के कारण वो क्या करते हैं कि हमारी शिकायत हमारे खिलाफ है जो शिकायत दर्ज कर लेते हैं। तो इस ऑडियो क्लिप में क्या बताया गया है इस ऑडियो क्लिप को आप भी सुनिए और अपने साथियों को भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी इसके बारे में पता लगे। हम सभी को ये कार्य करना चाहिए क्योंकि हम सभी ई मित्रा वाले हैं और ई मित्रा वालों को भी ये काम करना चाहिए। जब भी हमें समय मिले 181 पर कॉल करके उनको बताना चाहिए कि हम किस प्रकार से कार्य करते हैं। ये 60 रुपये का जो टोकन कटता है वो तो कटता ही है, इसके साथ में हम स्कैन करते हैं, फोटोकॉपी करते हैं और इसके साथ में हम जो फॉर्म भरते हैं वो कागज़ वगैरह पैसा कौन देगा। तो ये बातें हमें 181 पर सभी को बतानी चाहिए। तो इस ऑडियो क्लिप को आप सुनिए, आपको पूरी बातें पता लग जाएगी। तो ये रहा ऑडियो क्लिप। राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन में आपका स्वागत है, आपकी कॉल सेवा के लिए अग्रेषित की जा रही है, कृपया लाइन पर बने रहें। नमस्कार, राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन में आपका स्वागत है, मैं दिनेश कुमार आपकी इस प्रकार की सहायता कर सकता हूँ, क्या आपका शुभ नाम जिला जान सकता हूँ? नाम बरकला, जिला बीकानेर। जी श्रीमान जी, आपका शुभ नाम जिला बताने के लिए धन्यवाद। श्रीमान जी, मैं आपकी इस प्रकार की सहायता कर सकता हूँ? सर मैंने तो मूल निवास दिया भाई मित्र वाले को बनाने के लिए। जी उसके मतलब जो लीगल चार्ज है वो कितना बनता है उसका? 40 रुपये का चार्ज होता है श्रीमान। अच्छा सर, तो उसमें एक कंडीशन ये है कि मतलब मैंने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिए थे उसको। जी जी। और उसमें फॉर्म भरा खुद। जी। फॉर्म भी उसका ही है। जी जी। और उसके बाद फोटोकॉपियां की उसने, वो फोटोकॉपियां भी उसकी मशीन से हुई है। जी। और मूल निवास में 3 विधानसभाओं की वोटर लिस्ट मांगते हैं। जी। 3 विधानसभा होते हैं ना, विधानसभा चुनाव, 3 सत्र के 3 विधानसभाओं के जो चुनाव हुए हैं, जैसे 2018 में और 2013 में और 2009 में। जी। ये 3 विधानसभाओं की वोटर लिस्ट लगती है मूल निवास में, वो वोटर लिस्ट भी उस ई मित्र वाले को ही लाके पे देनी है। जी जी। और मूल निवास है वो प्रिंट भी उसको ही करके देना है। तो इसके लिए कंप्लीट चार्ज कितना होगा सर? वही 40 रुपए का चार्ज होता है। अरे तो भाई साहब ये तो बताइए ना, 40 रुपए का तो वो तो टोकन करता है। जी। तो वो टोकन करता है, वो तो हो गया टोकन वाला, जो फॉर्म भरेगा वो पैसे किसका फॉर्म? जो विधानसभा जो आपको जो विधानसभा का नहीं भाई साहब, मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे वो फॉर्म भरेगा मूल निवास का फॉर्म भरेगा, पेपर लगेगा, वो पेपर भी उसका ही है, फोटोकॉपियां की अपनी मशीन से की है उसने।
पूरी जो होते इंजीनियर के पास प्रिंट चिपकी हुई रहती है ना श्रीमान जी, वो तो टोकन की इनके तो चार्ज इतना होता है। नहीं टोकन का तो हो गया 40 रुपए, ठीक है जी। तो उसके अलावा मतलब फार्म के पैसे वो नहीं लेगा मुझसे जी? नहीं मैं पूछ रहा हूँ भाई साहब आपकी मेरी जानकारी के लिए, फार्म के पैसे श्रीमान प्रिंट चिपका हुआ रहता ना मित्र के पास, कितना लिया जा रहा है फॉर्म का? अरे भाई साहब यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे वो टोकन के हो गए 40 रुपए जी जी, तो वो बोल रहा है कि ये फॉर्म मैंने दिया है तो फॉर्म के तो 10 रुपए मैं लूंगा अलग से। वो बोल रहा है कि मैंने ये जो फोटोकॉपी की है जैसे तेरे आधार कार्ड की है, तेरे राशन कार्ड की है और तेरे जितने भी डॉक्यूमेंट है उनकी फोटोकॉपियां निकाली है पर साइड से 2 रुपए के हिसाब से फोटोकॉपी के पैसे लूंगा जी। और वो बोल रहा है कि मैंने इसको स्कैन करके चढ़ाया है तो स्कैन के पैसे लूंगा। और इसके अलावा एक चीज और बोल रहा है कि ये वोटर लिस्ट है ये तेरे लाके तू लाके देगा तो मैं पैसे ले लूंगा, वरना मुझे लेके आनी पड़ेगी कहीं से, 3 विधानसभा होगी तो उसके पैसे मैं अलग से लूंगा। ये क्या है भाई साहब ये बताइए मुझे, मतलब उसे वो पैसे देने हैं या उसे सरकार प्रोवाइड करवाती है वो? तो बताना चाहूंगा स्कैन करने के सभी श्रीमान जी वो 40 रुपए लिए जाते हैं। नहीं नहीं भाई साहब मुझे ये बताइए मतलब उसे जो फार्म उपलब्ध करवाया जाता है वो गवर्नमेंट के द्वारा भेजा जाता है क्या उसके पास, या पेपर उसका लगता है? गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है चार्जिंग श्रीमान उनको। अरे भाई साहब सुनिए जो 40 रुपए है वो तो टोकन कट रहा है, वो तो है टोकन कट रहा है, चलो मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन जो फॉरम है वो अपने को देता है फॉरम में सरपंच से साइन करवाने के लिए और ग्राम सेवक से साइन करवाने के लिए एप्लीकेशन फॉरम भर के देता है जी। वो एप्लीकेशन फॉरम है वो मतलब उसके पास गवर्नमेंट भेजती है या वो बाजार से कहीं खरीद के लाता है? दूसरी बात जो वो प्रिंट करता है उसके अंदर 20 रुपए का टोकन और करता है या नहीं करता है? वो मुझे बोल रहा है 20 रुपए का टोकन और करता है तो प्रिंट करूंगा, करता है या नहीं करता मुझे ये बताइए आप जी। सर हम आपकी जानकारी नहीं लेके हम आपकी कॉल को कुछ समय के लिए होल्ड पर रख सकता हूँ। हाँ बिल्कुल आप होल्ड पर रखिए, लेकिन मुझे संपूर्ण जानकारी चाहिए, फॉरम उसको सरकार देती है क्या और उसको मशीनों के पैसे जो लगी हुई है फोटोकॉपी करने की मशीन उसके पैसे सरकार पे करती है क्या? वो बोल रहा है कि ये सरकार की नहीं है ये मेरी निजी लाई हुई है और इनकी फोटोकॉपी के पैसे मैं लूंगा, वो ये बोल रहा है और आप लोग बोल रहे हो नहीं देने हैं। तो भाई साहब ऐसा है गांव में रहने वाले हैं वो भी हमारे भाई बंधु है ये मित्र वाला, कहीं ऐसा ना हो विवाद पड़ के एक दूसरे की शिकायत कर दे, पूरी जानकारी तो होनी चाहिए ना। सुनान आपकी पूरी जानकारी दी जाएगी सर, मैं बेहतर जानकारी देने के लिए क्या मैं आपकी कॉल को कुछ समय के लिए होल्ड पर रख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल रखिए होल्ड पर रखिए। श्रीमान जी जी श्रीमान जी क्या आप मेरे द्वारा दी श्रीमान जी जब तक मेरी तरफ से आवाज नहीं आ पाए आपकी तरफ से कॉल को डिस्कनेक्ट नहीं की जाए। बिल्कुल नहीं करूंगा, एक घंटा रखिए आप होल्ड पर, कोई दिक्कत नहीं मुझे जानकारी। कॉल कुछ समय के लिए होल्ड पर रखी जा रही है, कृपया लाइन पर बने रहे। आपकी कॉल कुछ समय के लिए होल्ड पर रखी जा रही है, कृपया लाइन पर बने रहे। आपकी कॉल कुछ समय के लिए होल्ड पर रखी जा रही है, कृपया लाइन पर बने रहें। आपकी कॉल कुछ समय के लिए होल्ड पर रखी जा रही है, कृपया लाइन पर बने रहें। आपकी कॉल कुछ समय के लिए होल्ड पर रखी जा रही है, कृपया लाइन पर बने रहें। आपकी कॉल कुछ समय के लिए होल्ड पर रखी जा रही है, कृपया लाइन पर बने रहें। जिसमें लाइन होल्ड रखने के लिए धन्यवाद सुमन। हाँ बोलिए सर। सर बताना चाहूंगा जो गवर्नमेंट का चार्ज होता है 40 रुपए का होता है सुमन, अगर आप स्कैन कराते हो टू कॉपी कराते हैं जो वोटर आईडी वो जो आपके जो विधानसभा की जो वोटर आईडी अलग से फॉर्म भरवाते हैं जो भी कार्य करवाते हैं श्रीमान आप उसकी मित्र के द्वारा स्कैन वो अलग पैसे लगते हैं श्रीमान, गवर्नमेंट का तो श्रीमान चार्ज बस 40 रुपए ओनली चार्ज। हेलो सुनिए सर सुनिए, मतलब आप ये कह रहे हैं, मैं क्लियर कर दूं कि आप ये कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट अगर आप उससे लोगे तो वोटर लिस्ट के पैसे अलग से पे करने पड़ेंगे, फोटोकॉपी आप उससे निकलवाओगे तो फोटोकॉपियों के पैसे आपको पे करने पड़ेंगे, फॉर्म अगर आप उससे लोगे तो फॉर्म के पैसे पे करने पड़ेंगे, और अगर प्रिंट निकलवाओगे दोबारा बने हुए प्रमाण पत्र का किसी का प्रिंट निकलवाओगे तो प्रिंट के पैसे अलग से देने होंगे जी। ये बोल रहे हो ना सर? जी जी। और जमाबंदी अगर वो निकाल के कहीं लगाता है जैसे जाति के साथ जमाबंदी लगती है तो जमाबंदी का वो अलग से चार्ज लेगा जी, अगर उनका तो गवर्नमेंट का तो वो दिया जाता है श्रीमान जी। तो सर सुनिए मैं ई मित्र संचालक बोल रहा हूँ, एक मिनट सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरी दुविधा सुनिए, आप लोगों को कॉल करके क्या बोल रहे हो कि आप 40 रुपए पे कीजिए, सुनिए सर और अगर 40 रुपए से अधिक लेता तो आप क्या करिए, कंप्लेन करिए।
कंप्लेन करिए, हमें शिकायत दर्ज करवाइए और हम शिकायत दर्ज करने के बाद आगे फॉरवर्ड करेंगे, उस पर कार्रवाई होगी। अब सुनिए सर, मेरे पास कस्टमर आता है, आके बोलता है मुझे मूल निवास चाहिए, तो मैं उसे बोलता हूँ भाई फलाने फलाने डॉक्यूमेंट लगेंगे, इनकी इतनी इतनी फोटोकॉपी लगेगी और ये फॉर्म लगेगा। बोलता है फॉर्म भर दो, फॉर्म मैं खुद भरता हूँ, एक मूल निवास का फॉर्म भरता हूँ तो आप मान के चलिए मेरी 20-25 मिनट नष्ट होती है। फॉर्म वो नहीं भरता है, फॉर्म मैं भरता हूँ। और दिन भर में अगर 30-40 फॉर्म हो तो दिन भर पूरा दिन खप जाता है भरते हुए, और फॉर्म मेरा होता है। हालांकि बाजार में रेट फॉर्म की 10 रुपए है, आप सबको पता है जी। और फॉर्म की 10 रुपए रेट, और उसके बाद पर साइड पर फोटोकॉपी 2 रुपए की रेट पूरे आल राजस्थान में, कहीं भी ऐसा नहीं है कि इससे कम हो, कहीं भी नहीं है। आप आपकी सरकार भी मान रही है कि 3 रुपए पर साइड के ले सकते हो, लेकिन हम लोग क्या करते हैं 2 रुपए लेते हैं पर साइड का, और उसके हिसाब से उसका पैसा जोड़ते हैं। उसके बाद वो प्रिंट निकालते हैं, उसमें 20 रुपए का टोकन और करता है वो कंप्लीट, और एक ये जो जितनी भी विधानसभा की वोटर लिस्ट लगती है वो हम अपने उपखंड कार्यालय के आगे जो ई मित्र वाले बैठे होते हैं उनसे मंगवाते हैं, उनके पास वो वोटर लिस्ट पूरे विधानसभा की होती है, पूरे विधानसभा क्षेत्र की किसी भी डेट की कहीं से ले लो, उसको मार्क करके भेजते हैं, भाई साहब इस नाम से फलाना वार्ड की फलाना ग्राम पंचायत की वोटर लिस्ट भेजिए, तो वो मेल करता है 100 रुपए लेता है, क्यों वो उसमें निकालेगा खोज खोज के, टाइम लगेगा उसे खोज के निकालेगा, वो 100 रुपए लेगा, तो वो वोटर लिस्ट के 100 रुपए हमसे लेते हैं। तो आप लोग उनको क्या बोलते हो कि आप उनको 40 रुपए पे कीजिए वरना हमें शिकायत दर्ज करवाइए, तो भाई साहब उनको कंप्लीट जानकारी देनी चाहिए कि ये टोकन के 40 रुपए है, अगर आप फॉर्म उससे भरवाओगे तो फॉर्म के पैसे अलग होंगे, अगर आप उससे प्रिंट निकलवाओगे प्रिंट के पैसे अलग होंगे, फोटोकॉपी निकलवाओगे तो फोटोकॉपी के पैसे अलग होंगे, ये होना चाहिए ना जी। समझ जाइए, सुबह मुझे एक कस्टमर ने कॉल किया कि वो बोल रहे 40 रुपए लगते हैं और आपने ज्यादा लिए पैसे, मैंने बोला भाई 40 रुपए टोकन के लगते हैं, फॉर्म मैंने भरा, फोटोकॉपी मैंने करके लगाई, स्कैन मैंने किया, उसके बाद वोटर लिस्ट मैंने लगाई और फॉर्म प्रिंट भी मैंने ही निकाला, और आप बोल रहे हो 40 रुपए के लिए, मुझे तो कॉल किया उसने बोला कंप्लीट 40 रुपए देने, अभी आप मुझे ये बोल रहे थे कि कंप्लीट 40 रुपए देने, भाई साहब सही जानकारी दिया करो, आपकी वजह से हम यहाँ परेशान हो रहे हैं, पब्लिक का काम करते हैं सारे दिन सुबह से लेकर शाम तक, और एक बात और सुनिए पब्लिक का काम करते करते सुबह से लेकर शाम तक काम करते बामुश्किल महीने का 7-8 हजार रुपए कमा पाते हैं, और आप लोग ऊपर से ये भ्रामक जानकारी देके लोगों को भड़का देते हो। तो श्रीमान बताना चाहूंगा टोकन काटा जाए तो ऑनलाइन होता है 40 रुपए में श्रीमान, तो भाई साहब वो ऑनलाइन होता है लेकिन कस्टमर को ये तो बताइए ना फॉर्म का पैसा लगेगा, भाई फॉर्म उससे भरवा रहे हो फॉर्म का पैसा लगेगा, फोटोकॉपी का पैसा लगेगा, दोबारा उसको प्रिंट करवाओगे उसका पैसा लगेगा, अब हम प्रिंट करने के लिए जो पेपर लेके आते हैं मित्रा का सामग्री जो आती है वो भी हमें बाजार से खरीदनी पड़ती है, कोई सरकार नहीं देती है, और दूसरी चीज जो मशीनें लेके आते हैं स्कैन मशीन है वो लेके आते हैं उसका पैसा 12,000 रुपए 15,000 रुपए जितनी की भी हम लेंगे वो हमें पे करना पड़ता है। तीसरी बात सरकार नेट का चार्ज सरकार नहीं देती, हमें देना पड़ता है, नेट का जो कनेक्शन है उसका भुगतान भी हम ही करते हैं भाई साहब, और आप बोल देते हो सामने वाले को 40 रुपए दे दो, बस 40 रुपए हमारे कट रहे हैं भाई साहब, वो दे रहे हो उसमें से 20 रुपए हमें वापस मिल जाते हैं, 20 नहीं मिलते, 20 सरकार में जमा हो जाते हैं, कुछ LSP रख लेता है, कुछ गवर्नमेंट रख लेती है, 40 रुपए का टोकन करता है उसमें 20 हमें वापिस आता है, और इतना लंबा चौड़ा झंझट पूरे दिन में ज्यादा से ज्यादा 10 मूल निवास के फार्म मतलब फॉर्म भर के पूरे वोटर लिस्ट लगा के फिर उनको चढ़ाना 10 अधिकतम हो सकते 10 या 15 फॉर्म, आप ये जानकारी दे रहे हो भाई साहब, ये तो आपका अच्छा सिस्टम नहीं है, इस सिस्टम को सुधारिए, और मैं आज राजस्थान सरकार के सचिवालय में भी कॉल करूंगा, उनसे भी निवेदन करूंगा अगर आप इस सिस्टम को सुधारिए। चलो ठीक है, धन्यवाद भाई साहब, नहीं सर मेरी इतनी सहायता कर दीजिए प्लीज, आज के बाद अगर आपके पास पर्टिकुलर आपके पास कोई कॉल आए तो कम से कम आप तो ये बताइएगा कि ये टोकन के पैसे हैं ना कि पूरे कंप्लीट मूल निवास के, आप तो ये बताइएगा, मेरी इतनी मदद कर दीजिए, किसी और भाई की तो मदद हो जाए, अगर आप ये शुरुआत करेंगे हो सकता है आपको देख के कोई दो चार ऑपरेटर और भी शुरुआत करे, हम ये नहीं कहते कि आप हमें उन्हें ये बोलोगे मित्र वाले को इतने पैसे दे आओ, वो मदद मत कीजिए, हमें तो सिर्फ इतना कर दीजिए जो हमारा लीगल लग रहा है वो बता दीजिए उनको, भाई फॉर्म का पैसा उनका लगता है, फोटोकॉपी का पैसा लगता है, दोबारा प्रिंट करवाते हो तो उसका पैसा लगता है, वो बताइए उनको, इतनी इतनी हेल्प कर दीजिए, इतने में खुश है, धन्यवाद सर जी। समाज क्या आपकी नहीं सर,
का भी क्या मेरे द्वारा दी गई जानकारी सब संतुष्ट हो? बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। हेल्पलाइन में कॉल करने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो दोस्तों आपने इस ऑडियो क्लिप को सुन लिया होगा और शायद आपको ये ऑडियो क्लिप अच्छा लगा हो। यदि ऑडियो क्लिप अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में भी आप ज़रूर बताएं। हमें सभी को ये पहल करनी होगी, 181 पर कॉल करके उनको अपने बारे में सारी जानकारी देनी होगी कि हम किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।